करेंगे। भगवान की ये बाल लीला चली। एक दिन की बात है, माँ कौशल्या बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करके भगवान का और सुंदर सा श्रृंगार करके पालने में भगवान को लिटा दिया। भगवान को पालने में रखा और स्वयं चली गई भोग लगाने। भगवान राम का जब भोग लगाने गई मंदिर में, तो मंदिर से निकल करके राम जी ही आ रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं बैठ के। मैया कौशल्या सोची, हमने तो राम को पालने में रखा था, यहां कहां से आया। दौड़ी भागी गई जाके पालने में, देखा वहां भी राम, मंदिर में आई यहां भी राम, यहां वहां दुई बालक देखा। मैया विस्मित हो गई। मैया ने भगवान से कहा, प्रभु ये कैसी लीला है। भगवान राम ने तुरंत अपने स्वरूप का दर्शन कराया, चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया माँ को। भगवान के रोम रोम में करोड़ों सूर्य चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं। जो माया जीव को न चाहती वो माया दिखाई पड़ रही, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। माँ कौशल्या ने कहा, राम मैंने आपको अपना पुत्र जान के न जाने आपसे क्या क्या कहा होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान राम मैया से कहते हैं, माँ मैं नहीं चाहता कोई जाने कि मैं भगवान हूँ। क्यों? अगर मैं भगवान बना तो लोग फिर मंदिर में ले जाके बिठाएंगे, सुबह शाम आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, हो गया काम। मुझे भगवान नहीं बनना है। जिस प्रकार से एक संसार का पिता, एक संसार की माँ अपने बेटे को खूब लाड दुलार करती है ना, मुझे वही वाला प्रेम चाहिए। मुझे भगवान नहीं बनना है। भगवान राम जीवन भर छुपाते रहे कि मैं भगवान नहीं हूं, और भगवान कृष्ण बचपन से ही बताते रहे कि मैं ही भगवान हूं, मुझे जानो। भगवान राम मैया से कहते, माँ मुझे एक वचन दो, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। मैया कौशल्या ने कहा, आपकी माया मुझे ना सताए, मुझे यही वरदान दीजिए। भगवान ने माँ को वरदान दिया, वापस अपनी बाल लीला में। भगवान थोड़े और बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, जिसे कहते हैं मुंडन संस्कार। और चूड़ाकर्म संस्कार करने के लिए कोई नाव नहीं आया था बाल काटने। कौन से ऐसे नाव का बना है चाकू जो भगवान के बाल काट दे। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि चूड़ाकरण किन्हा गुरु जाए। स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ गए चूड़ाकर्म संस्कार करने के लिए, और क्या किया, भगवान राम के जो बाल थे वो भगवान में ही विलीन हो गए, कोई काट छांट नहीं हुई। भगवान राम का चूड़ाकर्म संस्कार हुआ, और आज भगवान राम मैया के सामने जिद करते, माँ मुझे आज खेलने जाना है। मैया भगवान से कहती, राम आपको न जाने कितने वर्षों बाद मैंने पाया है, मैं क्षण भर के लिए नहीं चाहती आप मेरे नेत्रों से दूर हो, आप मेरी आंखों से दूर हो, राम मत खेलने जाओ। लेकिन भगवान की जिद, मैं तो जाऊंगा ही। मैया ने कहा, पांव जल जाएंगे तुम्हारे, सरयू नदी के किनारे जाओगे। भगवान राम ने कहा, कोई बात नहीं, लक्ष्मण जरा खड़ा हूं लेके आओ। तो लक्ष्मण जी खड़ा हूं लेके, जी भैया, उपस्थित हो गए। मैया ने कहा, चलो खड़ा हूं तो पहन लिया, लेकिन ऊपर से धूप लगेगी, चेहरा इतना कोमल कोमल है, कुमिला जाएगा। भगवान राम ने कहा, कोई बात नहीं, लक्ष्मण जरा छतरी लेके आओ। लक्ष्मण जी, जी हुजूर, छतरी लेके हाजिर हो गए। मैया ने कहा, खड़ा हूं पहन लिया, छतरी लगा लिया, लेकिन जो अगल बगल से लू लगेगी उसका क्या। अब भगवान राम क्या करते, मौन हो गए। कहा, मैया आप ही बताओ मैं क्या करूं। माँ कौशल्या राम जी से कहती हैं कि राखा ललना तेरे ये कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। आपकी इतने कोमल कोमल पांव हैं, उसमें कंकड़ियां गड़ जाएंगी, कंकड़ गड़ जाएंगे, राम मत खेलने जाओ। राम जी ने पूछा, मैया आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो राम जी कहते हैं, माँ कौशल्या कहती हैं कि लालन ही आंगन मिले खेलो, लालन ही आंगन मिले खेलो, कल बल वचन तोतले बोलो,
आपके इतने कोमल कोमल चेहरा है, पाम है, शरीर है, राम मत खेल ले जाओ। लेकिन भगवान राम तो पहुंच गए अपने सखाओं के संग में, पूरी बाल मंडली लेके भगवान पहुंचे। और भगवान कैसे खेल रहे हैं? धूल से खेल रहे हैं। भगवान ने शर्त क्या रखी? भगवान ने अपने मित्रों से कहा, देखो एक मिनट में जो 21 बार अपने सर से पांव तक धूल डाल लेगा वही विजेता हो जाएगा। भगवान सर से पांव धूल तक सने जा रहे हैं, भगवान तो धूल से खेल रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे धूल से नहीं खेलते हैं, आजकल के बच्चे एंड्रॉइड फोन से खेलते हैं, उन्हें धूल से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरे राम जी सरयू मैया के किनारे जाकर के धूल से खेल रहे। भगवान राम जब सर से पांव तक धूल से सने हुए आए, मैया कौशल्या ने देखा, अरे इतना सुंदर श्रृंगार करके भेजा था, ऐसा भूत बन के आ गया तू। मैया ने तो डांट लगाई, लेकिन महाराज दशरथ ने बड़े प्यार से, बड़े भाव से अपने गोद में बिठा लिया। अरे छोड़ो, हमारा बेटा है, कोई नहीं बोलेगा, धूल से खेल रहा है, खेलने दो। यही तो बचपन होता है। देखिए बच्चे जब खेलने जाने तो उन्हें खेलने दीजिए। कुछ लोग की आदत थी बच्चे जैसे ही खेलने जाएं आंख दिखाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। और आजकल तो बच्चा 2 साल का हुआ नहीं, मरा चलो तुम पढ़ो अब स्कूल चलो। पहले 5 वर्ष के बाद बच्चे स्कूल जाते थे, क्या पहले डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते थे? लेकिन आजकल लोगों को इतनी जल्दी पड़ी है हर चीज में, जल्दी 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 जल्दी, इसीलिए सब जल्दी जल्दी हो जाता है। बताओ 2 वर्ष का हुआ नहीं, उसको भी खेलने का टाइम मिला नहीं, अब उसके पीठ पे बोझ ला दो, चलो पढ़ो तुम। अरे पढ़ेगा, सबका एक समय बनाया गया है, उन्हें खेलने दीजिए भरपूर। जब पढ़ने का समय आएगा वो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जैसे भी पेट से बाहर निकला नहीं, चलो तुम प्ले वे में चलो, पढ़ नहीं सकते खेलो वहां जा करके, ऐसा नहीं। भगवान राम आज खूब खेल रहे हैं। मैया कौशल्या क्रोध में खूब डांटती भगवान को, लेकिन महाराज दशरथ बड़े प्यार के साथ, धूसुर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, बड़े प्यार के साथ गोद में बिठा लेते। लेकिन एक बात कहे, मैया कौशल्या चाहे जितना क्रोधित रहे, जितना परेशान रहे, भगवान एक बार अगर मुस्कुरा देते ना, मैया सब भूल जाती। और मैया ही क्यों भूल जाती महाराज, हमारे रामलला सरकार ऐसे हैं कि उनकी एक मुस्कुराहट पर पूरी दुनिया पागल हो जाती है, सब सब कुछ भूल जाता है। जीव जब भगवान के पास जाता है ना, वो सुंदर सी छवि का दर्शन करता है, तो जीव अपने दुख को भूल जाता है भगवान की एक मुस्कुराहट देख करके।